फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत कुछ करने का मन होता है, हम कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम पूरा दिन कर ही नहीं पाते क्योंकि हम सोए रहते हैं या फिर उठने का मन नहीं करता है। कभी लगता है मौसम ऐसा है इसलिए नहीं उठ सकते हैं, और पूरा दिन हम सोते हुए या बैठे हुए स्क्रॉल करते हुए निकाल देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है लेजीनेस की निशानियां हैं। तो आज मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी कि कैसे हम इन लेजी बिहेवियर से बाहर निकल सकते हैं। चलिए फिर ब्लॉग में यहीं से शुरू करती हूँ। मेरा पहला पॉइंट है मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव पीपल। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम जजमेंटल बन जाएं, लेकिन कई ऐसी बार होता है कि कई फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं। उन्हें हर बात पे परेशानी होती है, हर चीज़ से, हर इंसान से परेशानी होती है। जब तक वो अपनी लाइफ की परेशानी आपके साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर बात बात पे उन्हें हर किसी में परेशानी ही दिख रही है तो ऐसे लोग ना एक नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं, और वो जब हमसे ये बातें डिस्कस करते हैं तो उनकी एनर्जी हम तक ट्रांसफर होती है, और वही एनर्जी जो है ना हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव बना देती है, जिससे निकलने में लगभग 1 से 2 दिन लग जाता है। आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस वजह से आपका किसी और चीज में ध्यान ही नहीं लग पाता है। मेरा दूसरा पॉइंट है लिविंग इन द पास्ट। ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने पास से, पुरानी बातों से बाहर नहीं निकल पाते, उन्हीं में उलझे रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमने अगर पहले ट्राई की हो और वो चीज़ हम सक्सेसफुली कर नहीं पाए हों, किसी वजह से वो रह गया हो, तो हम अपने ऊपर एक ओपिनियन बना लेते हैं अपने ही अंदर कि नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं इस लायक नहीं हूँ, या मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा। इस तरह की जो बातें होती हैं ये हमें ना कोई भी नई चीज़ करने के लिए या कोई नई ट्राई करने के लिए कभी भी मोटिवेट नहीं कर पाती हैं, और हम उसी पास्ट में उलझ के रह जाते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ केयर, या ये कह लीजिए सेल्फ नरिशमेंट, जिसे मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि हम कुछ और कर सके ना सके, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ये कोई और नहीं कर सकता, ये हमें ही करना होता है। तो अक्सर जो हम लेज़ी फील करते हैं ना, तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो है सेल्फ केयर। जब तक हम अंदर से या बाहर से अपने आप को नरिश नहीं करेंगे, अच्छे थॉट्स कह लीजिए, अच्छा खाना कह लीजिए, अच्छा लाइफस्टाइल कह लीजिए, तब तक ना हम कभी भी अच्छा फील नहीं कर सकते हैं। और फील गुड फैक्टर को फील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को नरिश कीजिए, अपना थोड़ा ध्यान रखिए, और इसी से आपको कॉन्फिडेंस फील होता है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है कुछ नया करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेडिकेट अ डे फॉर योर फेवरेट एक्टिविटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा हम सबको ना किसी चीज़ के लिए ज़रूर बहुत शौक होता है, किसी को रीडिंग बहुत पसंद है, किसी को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग या स्टिचिंग, कुछ भी कह लीजिए, इस तरह की कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए अगर आप डेली थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट वीक में या 10 डेज में 1 घंटा ज़रूर निकालें, क्योंकि ये क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो होती है ना, जो आपको बहुत अंदर से फील गुड फैक्टर देती हैं, प्लस आपको एक सेल्फ अचीवमेंट का भी फीलिंग देती है। हम कोई भी चीज़ जब करते हैं ये हमें मोटिवेट ही नहीं करती हैं, बल्कि एक ना सेंस ऑफ अचीवमेंट जो मिलता है उससे भी आपको कुछ नया करने का जोश मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपको पसंद है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको करने के लिए एक पर्टिकुलर डे ज़रूर निकालें। जैसे मुझे फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स से घर को सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ वीकली या 10 दिन में ज़रूर फ्लावर्स लाऊं और घर को सजाऊं, क्योंकि जब मैं इनको सजाती हूँ ना, और जितनी बार मेरी नज़र इन पे पड़ती है मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ, एक फ्रेशनेस मिलता है मुझे। हाँ जी, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल।
अब तक में मेरे व्लॉग से आप समझ ही गए होंगे कि इस चीज़ को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि ना, जब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं और घर में सामान ही सामान भरा होता है, और अगर आपके पास टाइम नहीं निकल रहा है उसको संभालने का, ऑर्गेनाइज करने का, तो वो आपको स्ट्रेस ज़्यादा ही देता है। और जब आपके ऊपर स्ट्रेस लेवल बहुत होता है तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं, क्योंकि हमें वो मोटिवेशन ही नहीं मिलता है उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल का मतलब ही यही है कि आप जितना ज़्यादा कोशिश कर सकें अपने घर पे कम सामान रखें। आज के टाइम पे ये बहुत ट्रेंडिंग भी है, एंड बिलीव मी, ट्रेंडिंग होने का इसका यही रीज़न है कि ये प्रूवन हो चुका है कि इस लाइफस्टाइल की वजह से हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। और आपको हमेशा जब सफाई दिखती है घर में हो या किचन में हो, तो आपको लेजीनेस भी बहुत कम होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने का। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लान योर डे और वीक। ये सबसे बेस्ट है कि आप जब पहले से ही कोई चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं ना, तो उसके लिए आपको फिर अलग से सोचना नहीं पड़ता, टाइम नहीं निकालना पड़ता। आपको ऑलरेडी मालूम होता है कि इस दिन इस वक्त मुझे ये काम करना है, चाहे वो घर के छोटे या बड़े काम हो। अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो बहुत इजीली हमसे हो जाता है, नहीं तो ना ये सारे एक्सक्यूजेस हमारे लिए इतने बड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में हम इतने बड़े बड़े एक्सक्यूजेस ढूंढ निकालते हैं, जैसे कि बारिश हो रही है, मौसम अभी ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है, अच्छा कल कर लेंगे। इस तरह की जो बातें हैं ये सिर्फ एक्सक्यूजेस होती हैं, वो इसीलिए हमारे माइंड में आती हैं क्योंकि हमारी प्लानिंग स्ट्रांग नहीं होती है। सो छोटे से छोटे काम के लिए भी अगर आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें या फिर अपने माइंड में रख लें कि नहीं, ये पर्टिकुलर डे ये काम मुझे करना ही है, तो वो करने के लिए आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली करने लग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टे क्लोज टू एक्टिव और मोटिवेटेड पीपल। फैमिली में, फ्रेंड्स में या आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे फ्रेंड्स जरूर होते हैं, कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो ना बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं। उनसे आप जब भी मिले आपको बड़ा ही पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, बहुत पॉजिटिव सा लगने लगता है। सो हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसे ही दोस्त बनाएं, ऐसे ही लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखें जो पॉजिटिव एनर्जी कैरी कर रहे हों, जो अपने आप में बहुत मोटिवेटेड हों। कई बार होता है हमने कभी कहीं पे कोई एक लाइन पढ़ ली, कहीं पे कोई गाना सुन लिया, किसी से कोई बात सुन ली और हम भी मोटिवेटेड हो जाते हैं, बट वो ना बिल्कुल पल भर के लिए होता है। तो अगर आप हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए एक्टिव रहना चाहते हैं, तो बेस्ट और सबसे सबसे इजी तरीका यही है कि ऐसे दोस्त बनाएं अपने, ऐसे अपने लोगों के साथ अपने आप को सराउंडेड रखें जो अपने आप में ही बहुत मोटिवेटेड होते हों। और उनके साथ जब आप बातें करेंगे, उनके साथ जब आप घुलेंगे मिलेंगे ना, तो आपको भी कुछ करने की चाह बढ़ती है, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ऐसे लोग अक्सर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत पॉजिटिव फील कराते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड ग्रेजुअली। ये वही वाली बात है कि जब भी हम कुछ नया करने का सोचते हैं ना, तो हम सबसे पहले वो एंड रिजल्ट को माइंड में रखकर ही काम करते हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर। और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो हमें करने का मन ही नहीं करता, एक टाइम के बाद हम बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। सो बेस्ट ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटा छोटा प्लान कीजिए। अगर घर के काम के एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊं तो वो ये है कि जैसे हम एज अ हाउस वाइफ जब किचन क्लीन करने की बात आती है, तो एवरी मंथ या एवरी डे तो हम उसको डीप क्लीन नहीं कर सकते ना, इसलिए छोटे छोटे कॉर्नर्स को मैं हमेशा डीप क्लीन करती हूँ। जब जहाँ खड़ी हूँ उस एक ड्रॉअर को या एक कॉर्नर को अच्छे से क्लीन कर दिया, तो ग्रेजुअली क्या होता है, पूरा किचन ही क्लीन लगने लगता है और हमेशा साफ रहता है। तो रिजल्ट तो वही मिला, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेके। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि छोटे से शुरुआत करें, ज़्यादा प्रेशर ना लें, और धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है,
एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन. जब भी हम कुछ करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग भी कर चुके होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारे बहाने बन जाते हैं. जैसे यू नो, छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर मुझे कबर्ड क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन उस समय कोई स्पेशल ड्रामा आ रहा हो, तो मेरे लिए वही एक बहाना बन जाता है कि पहले मैं इसको ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मैं अपना काम करूँगी. एंड बिलीव मी, यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमें इतना डिस्ट्रैक्ट करती हैं अपने काम से. बीइंग हाउसवाइफ, मैं आपको घर के एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन आज के दौर पे हमारी जनरेशन सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम से ही डिस्ट्रैक्टेड हो रही है और हमारे आने वाली जनरेशन का भी यही होना है. एक टाइम था जब हमारे पेरेंट्स एंटरटेनमेंट के लिए सारे काम ख़त्म करने के बाद यू नो इवनिंग में एक पर्टिकुलर टाइम पे ड्रामा देखते थे, लेकिन हम लोग तो इतने हैंडी हो चुके हैं, इतने यूज्ड टू हो चुके हैं इन फोन्स के, कि अपने घर के काम करते करते अपने फ़ोन को भी देखते ही रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं. तो मैं इस पॉइंट से इतना रिलेट करती हूँ ना, तो अपने ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ कि इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से मैं अपने आप को बचा सकूँ. नेक्स्ट पॉइंट है सीक हेल्प. घर के कामों के लिए तो हम अक्सर घर वालों का हेल्प ले लेते हैं, लेकिन कई बार ना मन के अंदर इतने गार्बेजेस हम भर चुके होते हैं, मन के थॉट्स इतने क्लटर्ड हो चुके होते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल की हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है. और अक्सर हमारी सोसाइटी में इस हेल्प को ना बहुत गंदे तरीके से देखा जाता है, लेकिन ये बहुत अलार्मिंग होता है कि अगर आपको लगता है कि आपका लेजीनेस आपको इतना डीमोटिवेट कर रहा है कि वो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है और आपको बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के आप उसमें से निकल नहीं सकते हैं, तो मेरी राय में आप ज़रूर इस चीज़ को यू नो इस हेल्प को ज़रूर लें और इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि कई चीज़ें प्रोफेशनल हेल्प के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो चलिए, आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा.